तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना नथिंग फोन में नथिंग फोन 1 या 2 किसी भी मॉडल में इंटरनेट स्पीड मीटर को आप एनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इतना दिन ये फीचर्स इस मॉडल में नहीं आया था, तो अभी नया अपडेट आने के बाद ये फीचर्स भी दिया गया है। तो ये अभी आपका एक इनबिल्ट फीचर है आपका मोबाइल का। तो फिलहाल मेरे हाथ में जो फोन है ये है नथिंग फोन 1। तो नथिंग फोन 2 में भी प्रोसीड्यूर सेम ही रहेगा। तो इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन का भी जरूरत नहीं है, जस्ट सेटिंग में जाके आपको उसे एनेबल कर देना है। तो जब आप उसे एक बार एनेबल कर देंगे तो आपका मोबाइल का इंटरनेट स्पीड आप लाइव देख पाएंगे इस तरह से आपका स्टेटस बार या नोटिफिकेशन पैनल पर। तो जब आप कोई मूवीज एंड गेम्स वगैरह डाउनलोड करेंगे तो कितना स्पीड से आपका मोबाइल में डाटा ट्रांसफर होता है, डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड दोनों आप लाइव देख पाएंगे आपका मोबाइल का स्टेटस बार में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आया है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपी टेक न्यूज़। तो फ्रेंड्स, इस इंटरनेट स्पीड मीटर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का सेटिंग पर आपको जाना है, और यहाँ पर इस तरह से कई प्रकार का सेटिंग आपको दिख जाएगा, और आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करना है और बीच में या नीचे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन डिस्प्ले। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और मिडिल में आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन डार्क थीम, और इसके ठीक नीचे आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन स्टेटस बार। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका मोबाइल में ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है तो टेंशन का बात नहीं है, जस्ट आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये ऑप्शन शो इंटरनेट स्पीड। तो बेसिकली पहले से ये डिजेबल रहते तो जस्ट आपको उसे यहाँ पर एनेबल कर देना है, और जैसे आप उसे एनेबल कर देंगे तो यहाँ पर ऊपर में इस तरह से आप अपने इंटरनेट स्पीड मीटर आप लाइव देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस छोटा सा वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।